हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि मौलिक कर्तव्य के बारे में। हम जानेंगे हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी मौलिक कर्तव्य के बारे में व्याख्या किया गया, बात किया गया है। हमारे संविधान के कौन से भाग, कौन से पार्ट में फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात की गई है, कौन से आर्टिकल के तहत हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ की जानकारी दी जाती है और इससे संबंधित बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो के साथ बने रहिए और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, मैं आदित्य गुप्ता स्वागत करता हूँ आप सभी के अपने चैनल जीके एंड जीएस अपडेट पे। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें अपने टॉपिक यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, तो फ्रेंड्स फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी मौलिक कर्तव्य के बारे में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर सन 1949 को, तो हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी मौलिक कर्तव्य नामक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन फ्रेंड्स, जब 1975 में हमारे देश में इमरजेंसी लगाया गया था, उस टाइम पे हमारी प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी के द्वारा एक कमेटी का निर्माण किया गया, स्वर्ण कमेटी का, जिसने 1976 में हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इम्प्लीमेंट करने को कहा। इसके बाद 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 बिल के पास करके हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य नाम के कंसेप्ट को लाया गया। फ्रेंड्स, हमारे संविधान में जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में कॉन्सेप्ट दिया गया है वो हमने USSR सोवियत यूनियन से लिया हुआ है। फ्रेंड्स, अगर हम अब बात करें कि हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में कौन से पार्ट में लिखा गया है और कौन सा आर्टिकल फंडामेंटल ड्यूटीज़ की जानकारी देता है, तो फ्रेंड्स हमारे संविधान के पार्ट 4A के में एक इकलौता आर्टिकल है, आर्टिकल 51A, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में जानकारी देता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो वर्ड ए है उसका मतलब ये अमेंडमेंट के थ्रू आया है, यानी कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से नहीं था, ये अमेंडमेंट के थ्रू आया है, इस वजह से यहाँ पे ये लगा हुआ है 4A। ए रिप्रेजेंट अमेंडमेंट यानी कि संशोधन के थ्रू ये हमारे संविधान में लाया गया है। फ्रेंड्स, हम अब बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में यानी कि मौलिक कर्तव्य हमारे कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, उस फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात करने से पहले हम उससे संबंधित एक ज़रूरी बात करना चाहेंगे। जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि मौलिक कर्तव्य हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि जुडिशरी के पार्ट नहीं है, यानी कि हम अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को नहीं मानते हैं तो हमारे ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं किया जा सकता और ना ही कोई हम इसके ऊपर कंप्लेन कर सकता है। जैसा कि हम देखते हैं मौलिक अधिकार के यानी कि फंडामेंटल राइट के केस में, अगर हम किसी के फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हैं या कोई मेरे फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, तो उसके केस में हम कानूनी कार्रवाई के लिए आगे बढ़ सकते हैं, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है या हो सकता है। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी मौलिक अधिकार के वो कॉन्सेप्ट में ऐसा कुछ नहीं है, ये जुडिशरी का पार्ट नहीं है, यानी कि ये एनफोर्सेबल नहीं है। ये हमको एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक होने के नाते ये हमारा कर्तव्य नाम को करना चाहिए, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है, एनफोर्सेबल नहीं है सरकार के द्वारा। लेकिन फ्रेंड्स, कुछ हमारे संविधान में कुछ ऐसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जिसे फंडामेंटल राइट्स में डाल के उसे फोर्सेबल बना दिया गया, यानी कि जिसका पालन ना करने पे उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। उसका बात हम फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में बात करेंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में, सॉरी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। तो फ्रेंड्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ये इंग्लिश में लिखा हुआ है और हम इसको हिंदी में एक एक लाइन में बताते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सबसे पहला हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये कहता है कि हमको हमारे नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग और कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि राष्ट्र ध्वज, राष्ट्र सॉन्ग और हमारे संविधान का सम्मान करना चाहिए। और अगर हम बात करें दूसरे फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, तो ये कहता है हमको हमारे आज़ादी के समय इस्तेमाल हुए तौर तरीकों को अपनाना चाहिए और उसको एंजॉय करना चाहिए, उसका प्रसार करना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें अपने तीसरे फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी मौलिक कर्तव्य के बारे में, तो वो कहता है कि हमको हमारे देश के अनेकता में एकता की कल्पना को साकार करना चाहिए, उसे बढ़ावा देना चाहिए। हमारा चौथा फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि मौलिक कर्तव्य ये कहता है कि हमको ज़रूरी समय पे हमको अपने भारत के फौजी के रूप में भी अपना योगदान देना पड़ेगा। फ्रेंड्स,
हमारा पांचवा जो मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, वो बताता है कि हमको हमारे देश में भाईचारे की भावनाओं को आगे बढ़ाना है और हमको महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। छठा फंडामेंटल ड्यूटीज ये कहता है कि हमको भारत की संस्कृति को बचाना चाहिए और उसको रक्षा करना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें अपनी सातवीं फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक अधिकार के बारे में, सॉरी मौलिक कर्तव्य के बारे में, तो वो कहता है हमको अपने पर्यावरण का देखभाल करना चाहिए, इसको बचाना चाहिए, इसकी सुरक्षा करना चाहिए। फ्रेंड्स, हमारा जो आठवां मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज है, वो कहता है कि हमको हमेशा नए चीज़ों के बारे में जानने के लिए इच्छुक रहना चाहिए, मानवता को दर्शाना चाहिए, हमेशा एक दूसरे की सहायता करना चाहिए। और अगर हम बात करें अपने नौवें मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, तो वो कहता है कि हमको अपने पब्लिक प्रॉपर्टी यानी कि सरकारी आवास, सरकारी जमीन, सरकारी बस, सरकारी जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसकी सुरक्षा करना चाहिए, उसको बचाए रखना चाहिए और हिंसा को काबू करना चाहिए, हिंसा की ओर नहीं बढ़ना चाहिए। अगर हम बात करें अपने दसवें मौलिक कर्तव्य के बारे में, तो वो कहता है कि हमको हर एक जगह, हम कोई भी काम कर रहे हों, चाहे वो हम सिंगल कर रहे हों या ग्रुप में कर रहे हों, तो हमको वहाँ पे अपना बेस्ट देना चाहिए। और अगर हम बात करें ग्रहवा जो मौलिक कर्तव्य है, वो कहता है कि हमारे देश के में जो भी बच्चे हैं 6 से 14 साल को, उसको फ्री एजुकेशन की प्राप्ति होनी चाहिए, फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए। फ्रेंड्स, जो हमारे संविधान के लास्ट वाला फंडामेंटल ड्यूटीज है, वो है जो है वो हमारे संविधान में 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत लाया गया था और इसको 2002 में लाया गया था। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पूरी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।